एक मुहिम सी चल गई है, राहुल गांधी का बंगला गया, राहुल गांधी कहां रहेंगे, अब इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। दरअसल सहानुभूति की एक बड़ी लहर कांग्रेस समर्थकों में राहुल के लिए देखने को मिल रही है। कैसे? कांग्रेस नेता अपने घरों पर अब लगा रहे हैं मेरा घर राहुल गांधी का घर के पोस्टर। कांग्रेस के प्रयागराज के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को अपना समर्थन देते हुए अपने घर पर एक नेम प्लेट लगाई है जिस पर लिखा मेरा घर राहुल गांधी जी का घर है। ऐसे कई पोस्टर्स कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी का बंगला जाना एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बनाया जाएगा, सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इस सजा और फिर उसके बाद संसदीय जाना, अब इसके बाद बंगला जाना, हर एक मौके पर एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक रूप से जमीन पर मिलता जा रहा है। बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इसको भुना पाएगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और उनकी पत्नी रीना राय ने अपने घर पर राहुल गांधी की नेम प्लेट लगाई है। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजय राय ने अपनी पत्नी रीना राय के साथ अपने लहूरा बीर स्थित आवास पर मेरा घर राहुल गांधी जी का घर का बोर्ड लगाकर इसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना घर कांग्रेस के पूर्व सांसद को समर्पित करने का अनुरोध किया है। अजय राय का कहना है कि इस देश के तानाशाह हमारे नेता राहुल गांधी से एक घर छीन सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि राहुल गांधी के पास पूरे देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के घर हैं। राय ने कहा, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में लहूरा बीर स्थित अपने आवास को मैंने अपनी पत्नी और परिवार की सहमति से राहुल गांधी को समर्पित किया है। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि देश में हर कांग्रेस कार्यकर्ता का घर राहुल गांधी का घर है। सरकार चाहे जो कर ले, कांग्रेस नेता को डराया नहीं जा सकता। हर कार्यकर्ता मजबूती से लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा है। कांग्रेस नेताओं के अलावा आम जनता तक हर कोई राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर रहा है, ये भी कांग्रेस का दावा है और कई लोग देखने को भी मिल रहे हैं प्रदर्शनों के दौरान। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने हमारी आवाज़ उठाई है इसलिए उनकी सदस्यता छीनी गई। उनका कहना है कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं इसलिए घर वर मामूली सी बात है। उनके लिए सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिस पर लिखा हुआ है मेरा घर राहुल गांधी का घर। आपको बता दें, लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। इस पर कांग्रेस ने महाअभियान शुरू किया है, इसका नाम मेरा घर राहुल गांधी का घर रखा गया है। वाराणसी से इसकी शुरुआत प्रांतीय अध्यक्ष ने की है। यानी ये एक अभियान है, ये सिर्फ अजय राय के घर पर नहीं है, कांग्रेस ने एक अभियान शुरू कर दिया मेरा घर राहुल गांधी का घर। देखिए, अब ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा राजनीतिक मौका भी इस मुद्दे पर मिलता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को। राहुल को 22 अप्रैल तक खाली करना है अपना सरकारी बंगला। हालांकि ये देख लीजिए, ये कानूनी पहलू हैं, कानूनी पहलू की वजह से उनको सजा हुई, कानूनी पहलू देखते हुए और नियमों के मुताबिक उनकी संसद सदस्यता गई, इन्हीं नियमों के मुताबिक उनका बंगला जा रहा है। लेकिन इसको अब इसका राजनीतिकरण होगा, इसको कांग्रेस भुनाने का पूरा प्रयास करेगी और मेरा घर राहुल गांधी जी का घर, ये जो अभियान अब कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, ये भी उसी की एक वानगी देखने को मिलती है। इससे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में कांग्रेस जुट गई है। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को पिछले हफ्ते लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा। राहुल गांधी ने भी पत्र लिखकर कहा कि वो नियम अनुसार घर खाली कर देंगे। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम लिखी चिट्ठी में राहुल ने कहा, 12 तुगलक लेन पर हमारे आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च 2023 को लिखी चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 4 बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। आपको बता दें, गुजरात में सूरत के कोर्ट ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में 23 मार्च को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई है। इसके अगले दिन 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। इसके बाद 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए चिट्ठी भेज दी गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।